हेलो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि ग्वार की खेती किस तरीके से करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? ग्वार की खेती के लिए फसल चक्र अपनाना क्यों जरूरी है? ग्वार की खेती के लिए कौन सा बीज का चुनाव करें? कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं? किस तरह में बीज का उपचार करना है और इसके लिए हमें बीज की मात्रा की कितनी जरूरत पड़ेगी? इसकी खेती शिक्षित तथा अशिक्षित क्षेत्रों में की जाती है। ग्वार की खेती के लिए जल प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें कीट प्रबंधन व रोग प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसकी कटाई व कटाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी बिजाई के समय कौन कौन सी सावधानी रखें जिसके कि बीज का अंकुरण 100% तक हो, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसानों को जानकारी प्राप्त हो। अगर आप और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह गर्म मौसम की फसल है जिसे बाजरे के साथ मिलाकर बोया जा सकता है। इसे हरी सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसका अच्छा दाम भी मिलता है। इससे किसान सालाना लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती मुख्य तौर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में की जाती है। महाराष्ट्र में लगभग 9 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पशुओं को ग्वार खिलाने से उनमें ताकत आती है। दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। ग्वार से गोंद का निर्माण भी किया जाता है। ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों में होता है। ग्वार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल दाल तथा सूप बनाने में भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक काफ़ी लोकप्रिय फसल है। हेलो नमस्कार सभी किसान भाइयों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है। आज मैं आपको 365 ग्वार की वैरायटी के बारे में कुछ विशेषताएँ बताऊँगा। ग्वार की 365 वैरायटी की पैदावार सबसे अच्छी होती है। यह ग्वार बिल्कुल वाइट होता है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो इस वैरायटी का रंग कुछ काला भी पड़ जाता है। की बुआई हरियाणा व राजस्थान में की जाती है। 1 एकड़ के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त रहता है। इसकी बिजाई आप हल्की, मध्यम, भारी और रेतीली मिट्टी में की जा सकती है। 5 kg पैकेट की कीमत 500 रुपये के आसपास होती है। 365 वैरायटी के पौधे की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। इस वैरायटी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वायु नंबर 7 खेत की तैयारी, नंबर 8 फसल पद्धति या फसल चक्कर, नंबर 9 बीज का चुनाव, बीज की उन्नत किस्में, बीज का उपचार, बीज की मात्रा, नंबर 10 बिजाई या फसल की बुआई, नंबर 11 फसल की बुआई तथा ऐसे क्षेत्रों में, नंबर 12 खरपतवार की रोकथाम, नंबर 13 30 दिन के बाद निराई या गुड़ाई, नंबर 14 30 दिन बाद सिंचाई, नंबर 15 जल का प्रबंधन, नंबर 16 कीट व रोग का प्रबंधन, नंबर 16 इंसेक्टिसाइड व टॉनिक का स्प्रे, नंबर 17 कटाई फिर कढ़ाई फिर भंडारण। ये मुख्य सावधानियां हैं जो हमें ग्वार की फसल में रखनी चाहिए। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त समय, ग्वार की खेती खरीफ और गर्मी के मौसम में की जाती है। कालीन फसल की बुआई के लिए मई महीने का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। बुआई आप नहरी पानी से भी कर सकते हैं। देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु की फसल की बुआई के लिए जून व जुलाई उपयुक्त समय है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जुलाई माह में वर्षा आगमन के समय ही ग्वार की बुआई कर देनी चाहिए। बाजार में बाजरा की बहुत सी वैरायटियां उपलब्ध होती है। मई महीने में अगेती वैरायटी
वह जून जुलाई में हम 75 वरायटी या फिर हम समय के अनुसार ही वरायटी का चुनाव करते हैं। खेत का चुनाव, इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के फनों को रोटोवेटर की सहायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फनों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप हैरो की सहायता से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे। फिर आप लेजर लेवर की सहायता से खेत को समतल कर दे। अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सहायता से दो तीन बार जुताई कर दे। फिर आप हैरो की सहायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टीवेटर की सहायता से एक गहरी जुताई कर दे। अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलर की सहायता से समतल कर दे ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाए। मिट्टी की जांच, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यह पता चल जाता है कि यह मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गन्ना, आलू, मक्का, बाजरा, कपास। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इस मिट्टी का पीएच मान कितना है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। पानी की जांच, अगर आप फसल की बिजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से फसलों की बिजाई करते हैं तो आप सबसे पहले ट्यूबवेल के पानी की जांच करवा ले। अगर ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ग्वार की फसल में हमें ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ग्वार की फसल अच्छी नहीं होती है। अगर सिंचाई के लिए जरूरत पड़े तो हमें नहरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खेत की तैयारी व गोबर की खाद, अगर आप खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 टोली एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद जमीन में अच्छी तरह बिखेरकर जमीन को समतल कर देना चाहिए। ग्वार की खेती के लिए भूमि, ग्वार की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। यह फसल सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। हल्की क्षारीय व लवणीय भूमि जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक हो वहीं पर ग्वार की खेती आसानी से की जा सकती है। ग्वार के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से क्रॉस जुताई कर पट्टा लगा देना चाहिए। इसके उपरांत एक कल्टीवेटर से जुताई पर्याप्त रहता है जिसमें मृदा नमी संरक्षित रहे। जुलाई जून के द्वितीय पखवाड़े में ही करनी चाहिए। इस प्रकार तैयार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं। ग्वार फसल के लिए जलवायु, ग्वार एक सूखा सहन करने वाली व गर्म जलवायु की फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकती है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती हो। बीजों के अंकुरण व जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमीटर के नीचे तापमान उपयुक्त होता है। ग्वार एक प्रकाश संवेदनशील फसल है अतः इस फसल में फूल व फलियों का निर्माण केवल खरीफ के मौसम में ही होता है। अत्यधिक बारिश, बरसात व ठंड को यह सहन नहीं कर पाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है परंतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर ग्वार की खेती से भरपूर पैदावार ली जा सकती है। शुष्क और अशुष्क दोनों दशाओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ग्वार एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर पकती है। खरीफ की गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण पेड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में इन फसलों की खेती लाभदायक नहीं होती है। यह फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली मध्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है। यदि मिट्टी की सतह फसल पद्धति या फसल चक्र को क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है, किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह के पौधे के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के सदुपयोग से भूमि की भौतिक और जैविक
स्थिति में संतुलन बनाए रखना होता है। लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमि से लगातार अच्छी फसल ले सकते हैं और इसके अपनाने से खेत की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। जबकि एक ही फसल को लगातार उगाने से किसान भाइयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगातार लगाने से मिट्टी में बीज जनित और मृदा जनित रोग भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भूमि में विषैले गुण आ जाते हैं। भूमि के अंदर विषैले गुण उत्पन्न हो जाने पर भूमि में पाई जाने वाली छोटे उपयोगी मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और भूमि धीरे धीरे बंजर रूप धारण करने लगती है। फसल चक्कर के फायदे। फसल चक्कर के अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसल चक्कर के अपनाने से भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है। फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगते हैं। इसके अपनाने से फसलों में पैदावार अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी पाई जाती है। भूमि में फसल चक्र अपनाने से रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे मिट्टी दूषित होने से बचती है। फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफ़ी कम ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों द्वारा रासायनिक दवाओं पर किया जाने वाला खर्च भी कम हो जाता है। फसल चक्र के दौरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति बनी रहती है। फसल चक्र अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि फसल चक्र के दौरान अधिक गुड़ाई वाले फसलों को बोने पर खेत में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अधिक पोषण तत्व ग्रहण करने वाली फसलों की खेती के बाद खेत को एक बार खाली छोड़ देना चाहिए। किसी भी विशेष रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चाहिए। जिन फसलों की जड़ें अधिक गहराई में जाती है उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़ें कम गहराई में जाती है उन्हें उगाना चाहिए। अनाज फसलों को उगाने के बाद 2 से 3 साल में एक बार धनलनी फसल को जरूर उगाना चाहिए। अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम गुड़ाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक सिंचाई वाली धान जैसी फसलों के बाद कम सिंचाई वाली जरूरत की फसलों को उगाना चाहिए। अधिक उर्वरक लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों की उर्वरक की काफ़ी कम आवश्यकता होती है उन्हें उगाना चाहिए। इस प्रकार हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। बीज का चुनाव। हमें एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होता है जो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती हो, जिसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग हो और उसका भाव भी अच्छा हो, क्योंकि एक बढ़िया क्वालिटी का बीज ही हमें एक अच्छा उत्पादन और मुनाफा दे सकता है। बीज की उन्नत किस्में। ग्वार की उन्नत किस्में। बाजार में ग्वार की कई उन्नत किस्में देखने को मिल जाती है, जिन्हें चारे दाने और हरी फलियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उन्नत किस्में इस प्रकार है। दानों के लिए उन्नत किस्में अज्जी 365, अज्जी 563, 220। हरी फलियों तो उन्नत किस्में आईसी 1318, M83, पूसा मौसमी। हरे चारे के लिए उन्नत किस्में, ये मुख्यतः हरे चारे के लिए उपयोग की जाती है। बुंदेल ग्वार 3, ग्वार क्रांति, बुंदेल ग्वार 2, गोरा 80, बुंदेल ग्वार 1। अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाली उन्नत किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। अगर आप हरे चारे के लिए उपयोग करते हो तो हरे चारे वाली उन्नत किस्मों का उपयोग। ग्वार के बीजों की मात्रा व बीज उपचार। यदि आप ग्वार की फसल दानों और हरी फलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड़ के लिए दाने की फसल के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त रहता है और हरी खाद फसल में 15 से 16 किलो प्रति अंकड़ बीज की जरूरत होती है। इसके अलावा आप हरे चारे के लिए फसल का उपयोग करना चाहते हैं तो 16 से 17 किलो बीज प्रति अंकड़ की जरूरत होती है। इन बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टन या बावस्टिन की उचित मात्रा में उपचारित कर लिए, ताकि बीजों को आर में फंफूद या फंगस जैसे रोग ना लगे। पौधे में जड़ों के अधिक मात्रा में गांठ पैदा करने के लिए जीवाणु रोधक राइजोबियम उर्वरक से उपचारित कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर के खेत में 200 ग्राम की मात्रा वाली 2 पैकेट वाले जीवाणु रोधक की जरूरत होती है। सबसे पहले हम FIR यानी सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उपचारित करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उपचारित करते हैं, फिर राइजोबियम कल्चर से हम उपचारित करते हैं। फंगिसाइड को उपचार करने का मेन उद्देश्य फंगस की बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है और इंसेक्टिसाइड दवाओं से उपचारित करने का मुख्य उद्देश्य दीमक जैसी रोकथाम के
के लिए किया जाता है और राइजोबियम कल्चर का उपयोग खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए, जिससे कि एक अच्छी फसल प्राप्त हो। ग्वार फसल में खाद एवं उर्वरक। ग्वार दलहनी फसल होने के कारण नाइट्रोजन की कुछ आपूर्ति वातावरण की नाइट्रोजन को जड़ों में उपस्थित गांठ द्वारा एकत्रित की ली जाती है, लेकिन फसल की प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन व 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। संपूर्ण नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा बुआई के समय खेत में डाल देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्वार की बिजाई को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर की 600 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी व 250 ग्राम गुड़ के घोल में 15 किलोग्राम बीज को उपचारित कर छाया में सुखाकर बोना लाभदायक रहता है। खेत की तैयारी के समय 5 टन गोबर या कंपोस्ट कार्ड या 2-3 वर्ष में एक बार अवश्य प्रयोग से पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। ग्वार की बुआई की विधि। अधिक पैदावार के लिए ग्वार की बुआई हमेशा पंक्तियों में करें। बुआई हल्के कुंडों में यथा सीड ड्रिल की सहायता से करें। कुंडों में पौधों की जड़ों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रहित होता है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है और फसल की देखभाल करने में भी आसानी रहती है। ग्वार की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर करनी चाहिए। गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। बुआई के समय भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, जिससे बीज का जमाव शीघ्र व पर्याप्त मात्रा में हो सके। अगर आपने नहरी क्षेत्र में बिजाई की है तो आप इसकी मेड बना दें। फिर आप इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडा मेलिथियन 30% ईसी का 500 मिलीमीटर को 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दें, जिससे कि खेत में खरपतवार नहीं उगे। खरपतवार नियंत्रण। ग्वार की फसलों को खरपतवारों से पूर्णतया मुक्त रखना चाहिए। सामान्यतः फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद कई तरह के खरपतवार निकल जाते हैं, जिसमें जंगली जूट, जंगली चरी व दूब घास प्रमुख है। ग्वार की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालता रहना चाहिए। इससे पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और जड़ों में वायु संचार भी बढ़ता है। दाने वाली फसल में वैसलीन 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुआई से पूर्व मृदा की ऊपरी 8 से 10 सेंटीमीटर से सतह पर छिड़काव कर खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु फसलों की बुआई के 2 दिन पश्चात पेंडा मेलिथियन 30% ईसी का भी छिड़काव कर सकते हैं। बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खरपतवार उग जाते हैं। जिस खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुड़ाई हाथ से ही कर देनी चाहिए। निराई या गुड़ाई करने के बाद अगर खेत की सिंचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिंचाई कर सकते हैं। जल प्रबंधन। अगर खेत में पानी का भराव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसका जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ग्वार की फसलों में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ग्वार की फसल में कीट व रोग प्रबंधन। दीमक फसल के पौधों की जड़ों को खाकर ये नुकसान पहुंचाती है। बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में क्लोरीनफॉस 1.5% या क्लोरीफॉस पाउडर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलानी चाहिए। बोने के समय बीज को क्लोरीफॉस कीटनाशक की 2 मिलीलीटर मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर बोना चाहिए। नंबर 2 कातरा। इस कीट की लट प्रारंभिक अवस्था में फसल के पौधों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए खेत के आसपास सफाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकोप होने पर मिथाइल पैराथियोन या क्विनोनोल फास 1.5% चूर्ण की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रोकनी चाहिए। मोइला। यह कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 0.5 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। सफ़ेद मक्खी एवं रातिल्ला। इन कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफोस या मेलाथियन की 1 लीटर मात्रा को पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। बैक्टीरियल ब्लाइट। यह ग्वार की बहुत हानिकारक बीमारी है। इस बीमारी के ऊपर गोल आकार के धब्बे बनते हैं। इस बीमारी के नियंत्रण हेतु रोगरोधी किस्मों का उगाना चाहिए। बीज को 2 ग्राम ट्रेप्टोसाइक्लिन से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोना चाहिए। छाछिया। इस रोग के कारण पौधे के ऊपर सफ़ेद रंग के पाउडर का आवरण बन जाता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु 25 किलोग्राम
बुआई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाव बुढ़वार और फूलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि करने के लिए हमें पलानोफिक्स व कल्टार जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका उपयोग करने से फूलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होती है, फलियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, फूल झड़ते नहीं हैं। 15 से 20 दिनों के अंतराल में हमें 2 से 3 स्प्रे करने चाहिए। चेपा व रैतेला की रोकथाम के लिए हम मोनोक्रोटोफास या इमिडाक्लोराइड या टाटा का असाटाप जैसी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। अन्य कीट व रोग की रोकथाम के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही पैदावार या फसल की कटाई शुरू हो, इसके बाद हमें इस फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम इसकी धूप में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के बाद हमें इस फसल का भंडारण कर देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।